अखिलेश यादव को चुनौती दे रही थी साहेब की बड़बोली मंत्री। अखिलेश की महिला सिपाही ने बीच सड़क घेर लिया, सिखा दिया सबक। अखिलेश को राहुल गांधी की तरह घेरने निकली साहेब की लाडली मंत्री। सपा की शेरनी ने अकल लगा दी ठिकाने, गाड़ी में बैठकर हो गई रफू चक्कर। स्मृति ईरानी के कारनामों पर भड़क गई सपा की महिला नेता। विपक्षी पार्टी के मोर्चे पर ज्ञान देने वाले बड़े से बड़े कमल छाप नेता की बोलती अखिलेश यादव की एक शेरनी ने बंद कर दी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी की उस महिला नेता को अखिलेश यादव ने एक बड़ा तोहफा दे दिया। रक्षाबंधन के मौके पर साबित किया जा रहा था कि साहेब देश की महिलाओं के बारे में कितना सोचते हैं, तो गैस सिलेंडर के दामों पर छूट देकर माहौल बना रहे थे। घूम घूम कर साहेब के मंत्री भी माहौल बनाने में जुटे थे। इसी दौरान साहेब की मैडम मंत्री अखिलेश की महिला सिपाही के हत्थे चढ़ गई। सबके सामने एक एक ऐसे ऐसे सवाल दागे कि मैडम जी की बोलती बंद हो गई और सरकारी गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गई। अखिलेश के लिए स्मृति ईरानी से भिड़ गई काजल निषाद। भीड़ में खड़े होकर मैडम मंत्री से पूछ डाले सवाल, अगर मगर करने लगी मंत्री। समाजवादी पार्टी की सबसे तेज तर्रार नेता के तौर पर काजल निषाद ने अपनी पहचान बनाई है। जब बीजेपी की महिला नेता उल्टे सीधे बयान देकर जनता को बरगलाने में जुटी हुई है, वहीं काजल निषाद ने अपने तेवर और अनुभव से साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी में एक से बढ़कर एक महिला नेता है जो बड़े से बड़े धुरंधरों को धूल चटा सकती हैं। दरअसल पहले से ही घोसी विधानसभा सीट पर बाबा के तिगड़मों ने पार्टी की खूब फजीयत कराई है। पहले अपने ही प्रत्याशी के चेहरे पर काली पुतवा दी और फिर अखिलेश यादव को नीचा दिखाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकवा दिया। रही सही कसर राजभर ने पूरी कर दी, जिनके अपनों ने ही राजभर को खदेड़ना शुरू कर दिया। इन सबके बीच जहां एक तरफ बीजेपी के नेता और मंत्री घोसी जाने से घबरा रहे हैं, वहीं सपा नेता ने खुलकर घोसी सीट पर बाबा को चैलेंज कर दिया। लेकिन इस बार हत्थे चढ़ गई स्मृति ईरानी, जिनको लेकर काजल निषाद ने ढेरों सवाल पूछ डाले। काजल निषाद ने कहा, कितना बड़ा मजाक करते हैं, स्मार्ट सिटी बन गई, किसानों की आय दुगनी हो गई, 2022 से पहले सबको पक्का मकान मिलेगा, 35 रुपये में सबको पेट्रोल डीजल मिलेगा। भैया बाबा रामदेव दे रहे थे 35 रुपये में पेट्रोल डीजल, कितने हो गए सब्जी के दाम, बढ़ गई महंगाई, हो गई बेरोजगारी और भुखमरी, और जो गैस का बाटला लेकर घूम रही थी सड़क पर, योगा दिवस पर एक दिन का योगा करने वाली हमारी मैडम गैस का बाटला लेकर घूमने वाली कहाँ है। जैसे ही काजल निषाद ने साहिब की मैडम मंत्री की पोल खोलनी शुरू की, नीचे खड़े लोग ताली पीट पीट कर हंसने लगे, जिसके बाद अखिलेश यादव ने काजल निषाद को बड़ी जिम्मेदारी देने का ऐलान कर दिया है। काजल निषाद ने जबरदस्त माहौल बना दिया, जिसे बीजेपी के नेताओं की घिग्गी बांध दी। पहले से ही दारा सिंह चौहान को लेकर पार्टी में रस्सा कसी चल रही है। बगावत के बीच लोग दारा सिंह चौहान के साथ बाबा के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे में घोसी का चुनाव तो छोड़िए, 2024 का चुनाव जीतना भी मुश्किल लग रहा है।